नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑडिसी टेक्नोलॉजीज में। तो गाइज, आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। गाइज, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है इफ, यानी कि आपको कोई कंडीशन लगानी है कि आपके पास अगर डेटा कोई पड़ा हुआ है तो अगर आप उसमें ये चेंज करना चाहें, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं ऐसा, तो कैसा हो। ठीक है, तो कोई भी एक फॉर्मूला और कंडीशन आप लगाना चाहें इफ फंक्शन के द्वारा, तो आप उसको कैसे लगाएंगे आज आपको बताऊंगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इसी टेक्नोलॉजीज। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसके ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है। कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझे कमेंट कीजिए उसके अंदर, एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कुछ एक डेटा बना रखा है यहाँ पे। तो मेरे पास कुछ नेम्स पड़े हुए हैं एंड मैंने रेवेन्यू का एक कॉलम बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज हैं मेरे पास। उन्होंने मुझे इस मंथ का रेवेन्यू जो दिया है वो आपके सामने है। अंकित ने 15,000 का रेवेन्यू दिया है, राहुल ने 18,000 रुपये रेवेन्यू दिया है। तो कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या है? तो गाइज, मेरी यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन ये है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देना चाहता हूँ या कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ अगर किसी ने अच्छा रेवेन्यू दिया है तो। तो मैंने तीन कंडीशन यहाँ पे बना रखी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मेरे किसी भी एम्प्लॉय ने 22,000 रुपये से ज़्यादा का रेवेन्यू मुझे दिया है तो उसको मैं सैमसंग का फ़ोन दूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 22,000, तो ये ग्रेटर देन 22,000 है। और अगर किसी ने 35,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू दिया है इस महीने के अंदर तो उसको मैं आईफोन दूंगा। और अगर किसी ने 95,000 का रेवेन्यू दिया है तो उसको मैं मैक दूंगा, एप्पल का कंप्यूटर या लैपटॉप। ठीक है, तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको हम चेक करेंगे? मेरे पास देखिए, मैंने यहाँ पर डेटा बना रखा है, तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 20-21 फिलअप किए हैं ये सेल्स, ताकि आपको समझ में आ सके। बट अगर आपके पास हजारों में कोई डेटा है तो आप कैसे चेक करेंगे किस किस बंदे की एलिजिबिलिटी, या इफ फंक्शन को आप कैसे यूज करेंगे? मेन पर्पज क्या है इफ को यूज करना सीखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, इफ को लिखा, इफ यानी कि फॉर्मूला, एंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सी बात है, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कि आप किस सेल पे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं या किस कॉलम के अंदर कंडीशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट कह रहे हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि B3 इसने मुझे दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं कि B3 आपका आ गया। अच्छा, लॉजिकल टेस्ट आपका, लॉजिकल टेस्ट ये है, तो B3 आपका है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट में आप क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि मैं इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू, या जिस बंदे ने रेवेन्यू किया है, अगर कोई भी रेवेन्यू 22,000 से ज़्यादा का आता है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने लगाया ग्रेटर देन का निशान। ये आप गाइस अपने कीबोर्ड से लगाएंगे। ठीक है, 22,000 का मैंने लगा दिया। अब देखो कंडीशन बन गई और मैंने कॉमा लगा दिया। अब आपको दिख ही रहा होगा, लॉजिकल टेस्ट में मैंने लिखा B3, यानी कि जो मेरा ये वाला सेल है इसके अंदर जो मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो वैल्यू 22,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइस अब दो कंडीशन हो सकती है। मैंने कहा 22,000 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो आप क्या करना चाहते हैं, और नहीं है तो क्या करना चाहते हैं। तो इसमें दो चीज़ दिखाई है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसमें दो बातें आपको बतानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ डाल के छोड़ देंगे, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि अगर 22,000 से ज़्यादा है तो अब मुझे क्या लगाना, अगर 22,000 है, सॉरी 22,000 से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, उस बंदे को मैं सैमसंग का फोन गिफ्ट करूंगा। तो मैंने लिखा डबल कॉलन के अंदर सैमसंग, ठीक है, और डबल कॉलन क्लोज कर दिया मैंने। अब मैंने लगा दिया कॉमा, तो मेरा एक बंद हो गया ब्रैकेट जिसमें इसने मुझे बोला लॉजिकल टेस्ट आपने बता दिया कि आपकी वैल्यू 22,000 से अगर ज़्यादा होगी तो आप उसको सैमसंग का फ़ोन दोगे। अब ये कह रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो फिर उसको मैं बोलूँगा बाय बाय। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बाय, उसको मैं कुछ नहीं दूंगा, और डबल कॉलन, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया एंड एंटर मार दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे है 15,000, और मैंने कंडीशन में क्या लगाया कि मेरी वैल्यू 22,000 से ज़्यादा, यानी कि जिस भी बंदे ने 22,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू दिया है उसको मिलेगा सैमसंग का फ़ोन। तो अब इसको मैं सीधा यहाँ से नीचे ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर आप इसको शिफ्ट दबा के नीचे सेलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा और ड्रैग डाउन कर सकते हैं।
या फिर कंट्रोल डी कर सकते हैं ऐसे, तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, 24,000 वाले के ऊपर आ रहा है सैमसंग, कि 22,000 से ज़्यादा वाले को सैमसंग दूंगा, तो मैंने कहा 24,000 ये सैमसंग कह रहा है, 75,000 सैमसंग के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो एक तो ही हो गया। चलिए इसको फिर से एक बार सीखते हैं, अगर इसमें क्लियर नहीं हो तो फिर से आपको बताता हूँ। फिर से मैं फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अंदर क्या है, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि ये सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया यार, इस पूरे कॉलम में या इस सेल के अंदर जिस भी बंदे का रेवेन्यू, जिस भी व्यक्ति ने 35,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू मुझे दिया है, मैं उसको आईफोन दूंगा। तो 35,000 से ज़्यादा का, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आप कहोगे कि इक्वल लगाना आपको या उसे लेस देन लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, फिलहाल मैं ग्रेटर देन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लगा दिया ग्रेटर देन और वैल्यू लिखूंगा कितने से, 35,000। तो गाइस मैंने लिखा 35,000 एंड मैंने कॉमा लगा दिया, तो लॉजिकल टेस्ट मेरा हो गया। अब वो कह रहा है कि आपकी कंडीशन क्या होती है, लॉजिकल टेस्ट आपने दे दिया, अब अगर वो आईफोन के लिए एलिजिबल हैं तो आप क्या करोगे, नहीं है तो क्या करोगे। अगर हैं तो मैं क्या करूँगा, डबल कॉलन में लिखूंगा उसके लिए आईफोन, डबल कॉलन क्लोज एंड कॉमा। अगर नहीं है फिर से डबल कॉलन स्टार्ट, मैंने लिखा बाय बाय, डबल कॉलन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखेंगे गाइस भाई इसमें आ रहा है बाय बाय, 35,000 के इसमें कितने बंदे हैं, ट्रैक करके देख लेते हैं, कंट्रोल डी। तो यहाँ पे एक आईफोन दिखा रहा है, ये रहा, यानी कि 75,000 वाले को आईफोन मिलेगा, 75,000 वाले को ये देखिए आईफोन मिलेगा, तो आईफोन मिलेगा। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, अब की बार कंडीशन क्या है कि 95,000 से ज़्यादा वाले को मैक दिया जाएगा, तो करके देख लेते हैं गाइस। अब आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला स्टार्ट किया, लॉजिकल टेस्ट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। मैं कहता हूँ ग्रेटर देन वैल्यू लेनी है, 95,000 से ज़्यादा की वैल्यू, तो मैंने कहा ग्रेटर देन का साइन, 95,000 से ज़्यादा का अगर रेवेन्यू है तो कॉमा लगाया, अगर है तो कंडीशन क्या है, अगर है तो भैया फिर मैं उसको दूंगा मैक, मैंने मैक लिख दिया एंड कॉलन क्लोज और कॉमा। अगर नहीं है तो क्या करूँगा, फिर से कॉलन स्टार्ट किया डबल वाला एंड मैंने लिखा बाय बाय कैपिटल लेटर में, डबल कॉलन क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे बाय बाय आ रहा है सारा का सारा, तो किसी की भी 95,000 नहीं है, ये देखिए सब में बाय बाय आ रहा है, आ रहा है कहीं पे भाई साहब, पूरा बाय बाय दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे आकर इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ 96,000 एंटर करता हूँ, देखिए भाई यहाँ पे मैक हो गया, यहाँ पे आके मैं अगर लिखता हूँ इसको 1,05,000, तो देखिए मैक हो गया। तो गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरीके से मैं आपको इसको एडवांस तरीके से भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि इफ़ के अंदर और भी तीन चार कंडीशंस कैसे हो सकती हैं। तो गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।